ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को सॉल्व करते हैं, है ना। साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 6.01 मीटर एंड 12 मीटर। लेंथ 12 मीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 6.01 मीटर दिया हुआ है। टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इनटू अकाउंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, क्या होगा। लेंथ ये ब्रेथ दिया हुआ है 6.01, है ना, जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है और लेंथ में सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 है, लेकिन एरिया में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ए ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बी में भी 3 है, नहीं होना चाहिए, 2 है, ये होना चाहिए, डी भी नहीं होगा क्योंकि डी में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है बिना कैलकुलेशन के। ये इजी है, बहुत इजी है, कुछ कैलकुलेशन की इसमें जरूरत ही नहीं थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ बेसिक नॉलेज हमको लेना था, है ना। 12 एंड 6.01 लेंगे, राउंड अप करके 6.01 लिखेंगे तो 12 6 72 हो जाता है, तो सीधा हम लोग 72, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी आएगा। तो 12 मीटर, देखिए 12 मीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 2 है और 6.01 में 3 है, तो आंसर में कितना आना चाहिए, 2। ए में 4, बी में 3, सी में 2, तो बी सही है, डी में भी 4 है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें दिमाग लगाना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके काम कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सप्रेशन ए इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई जेड क्यूब, परसेंटेज एरर गिवेन इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा परसेंटेज एरर। ये बात याद रखिए, कभी परसेंटेज एरर फ्रैक्शनल एरर माइनस में नहीं आएगा, तो जितने सारे माइनस वाले आंसर हैं कैंसिल कीजिए, डी सी और बी सब गलत है, ऑप्शन ए सही है। ओके तो देखिए इसमें सब प्लस है, इसीलिए डेल्टा एक्स वाई वाई 3 डेल्टा वाई वाई जेड प्लस 2 डेल्टा जेड वाई जेड, है ना। अब इसको गौर से देखिए, ये 2 डेल्टा जेड वाई जेड आ रहा है, आप ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या ये आंसर सही है या नहीं। देखिए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है तो यहाँ 2 नहीं हो करके 3 होना चाहिए, 3 डेल्टा जेड बाय जेड, है ना, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हमेशा फ्रैक्शनल एरर ऑलवेज एडेड नेवर सब्ट्रैक्टेड, है ना, परसेंटेज एरर इज ऑलवेज एडेड नेवर सब्ट्रैक्टेड, है ना। अगर जेड स्क्वायर होता तो 2 डेल्टा जेड बाय जेड रहता। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके सिर्फ दिमाग लगाना है और आंसर पाना है।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट यूनिट फॉर सरफेस टेंशन इज, कौन सा यूनिट होगा? ए तो कभी नहीं होगा क्योंकि ये प्रेशर का है, ओके। बी भी नहीं, ए तो नहीं होने वाला, बी भी नहीं होगा, जूल पर न्यूटन पर मीटर ये भी नहीं होगा, है ना, सी जूल मीटर ये भी नहीं होगा, डी हो सकता है जूल पर मीटर स्क्वायर हो सकता है। जूल को आप ये ऐसा समझिए कि न्यूटन इंटू मीटर, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू 1 न्यूटन मीटर, तो बाई मीटर स्क्वायर करेंगे तो न्यूटन पर मीटर आ सकता है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है पहले ये समझिए, सरफेस टेंशन इज फोर्स बाई लेंथ, है ना। तो फोर्स बाय लेंथ सिर्फ और सिर्फ डी को सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी और सी को किसी में से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ओके। डी इज सेटिस्फाइड बाय द सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 68, विच इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क आवर एनर्जी का यूनिट है। वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके। हाय, क्वेश्चन नंबर 70, यूनिट ऑफ कांस्टेंट बी इन वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, यूनिट ऑफ कांस्टेंट बी इन वान डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वान डर वाल्स इक्वेशन कैसे आता है, पी प्लस एन स्क्वायर ए वाई वी स्क्वायर, है ना, वी माइनस एन वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। इसमें हमें क्या निकालना है, यूनिट ऑफ बी निकालना है, बी का यूनिट निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और एन वी का डायमेंशन सेम होगा तो बी का यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम बाय मोल, तो लिखेंगे एम एम 3 बाय मोल। बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी भी नहीं, है ना। दिस क्वेश्चन हैज कम इन महाराष्ट्र सीईटी 2006 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। देख लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ कांस्टेंट इन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होगा? 71 को गौर से देखते हैं। लेमडा इंटू टाइम इज, सॉरी, लेमडा इंटू टेम्परेचर इज वेन्स कांस्टेंट, ओके बी। तो लेमडा का क्या यूनिट है, मीटर, इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन, तो मीटर केल्विन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ए गलत, सी गलत और डी भी गलत, ओके। महाराष्ट्र सीटी 2008 एंड 2009 दो बार आ चुका है कंटिन्यूअसली, सेम क्वेश्चन रिपीटेड महाराष्ट्र सीटी 2008 एंड 2009, ओके। ऊपर वाले क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि वी माइनस एन वी है तो यूनिट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बाय मोल, तो एम 3 यूनिट ऑफ वॉल्यूम है और पर मोल यूनिट ऑफ मोल है ना, तो इस तरह से आएगा। आगे देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन दिए गए हैं, कम से कम
3 मिनट टाइम दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस हैव कम इन द एग्जामिनेशन। जितने सारे क्वेश्चंस हैं सब एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ओके ओके अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा? कैलोरी ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी और डी। कैलोरी भी नहीं है, कैलोरी किलो कैलोरी की अर्ग भी नहीं है, तो ऑप्शन सी सी सही है, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ए भी नहीं, बी भी नहीं और डी भी नहीं। डी भी गलत, बी भी गलत, ए भी गलत, आंसर क्या है? सी। कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है महाराष्ट्र सीईटी 2004 में। अब हीट इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? एम स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर, सी हीट को क्या जूल, एम को केजी, सी का यूनिट निकालना है, टी के बदले केल्विन, तो हम निकाल सकते हैं एम्पेयर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेयर सेकेंड यूनिट ऑफ चार्ज, करंट इनटू टाइम, एनर्जी भी नहीं, पावर भी नहीं, कैपेसिटेंस भी नहीं। ओके ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज क्या होगा? ये महाराष्ट्र सीईटी 2002 में आ चुका है और ये महाराष्ट्र सीईटी 2004 में आ चुका है। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? ऑप्शन बी सही है, ओम मीटर होगा। क्यों होगा? इसके पीछे लॉजिक देखिए क्यों क्यों होगा। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एल बाई ए है ना, तो एरिया को लेंथ स्क्वायर मान लीजिए, तो रो का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर है ना, ओम मीटर। रो का क्या होगा? यूनिट ऑफ लैम्डा इन रेडियो एक्टिविटी, महाराष्ट्र सीईटी 2002, यूनिट ऑफ लैम्डा इन रेडियो एक्टिविटी क्या होगा? यूनिट ऑफ हाफ लाइफ का इन्वर्स, सी पर ईयर, सेकेंड भी नहीं। ओके देख लीजिए आप लोग, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी।